आदिशक्ति। हे आदिशक्ति, आपने मेरी रचना की, मुझे अस्तित्व दिया, अब मुझे परिचय भी प्रदान कीजिए। आप ब्रह्मा हैं, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आपको सृष्टि की रचना करनी है। आप आदि प्रजापति हैं, आप भाग्य विधाता हैं। हे आदिशक्ति, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम हे आदिशक्ति, मुझे भी बताइए कि मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है और मेरी रचना का उद्देश्य क्या है। आप विष्णु हैं, आप सृष्टि के पालन करता है, आप ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि का पालन करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। हे आदिशक्ति, प्रणाम, आपको असंख्य प्रणाम। मुझे भी बताइए कि मेरा परिचय क्या है और मेरी रचना का लक्ष्य क्या है। आप महेश हैं, आप ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि का संहार करेंगे। हे देवो, जिस प्रकार पुष्प सुगंध के बिना, दीपक ज्योति के बिना और तन आत्मा के बिना अधूरा है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति अर्थात नारी के बिना अधूरा है। हे ब्रह्मा, आपकी शक्ति है देवी सरस्वती। हे विष्णु, आपकी सहधर्मिणी है, आपकी शक्ति है देवी लक्ष्मी। महेश, आपकी शक्ति है देवी गौरी। सत्य तो ये है कि हम सब एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न अंश हैं, किंतु साधारण प्राणी के भ्रम के निवारण के लिए हमने अलग अलग रूप धारण किए हैं। हम में कोई अंतर नहीं। हे आदि शक्ति, आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछिए आदि प्रजापति। आपके कथन के अनुसार जब मैं, विष्णु और महेश सब एक ही हैं, तो मेरे साथ ये भेदभाव कैसा? भेदभाव? हाँ आदिशक्ति, आपने विष्णु और महेश को संहार करने वाले शस्त्र प्रदान किए हैं,
किंतु मुझे कोई शस्त्र नहीं दिया। आपने तो मुझे केवल रचना करने की शक्ति प्रदान की है। यह भेदभाव नहीं तो और क्या है? हे आदि प्रजापति, हे ब्रह्मा, आपने सत्य कहा। मैंने विष्णु तथा शिव को संहार करने वाले अस्त्र दिए, क्योंकि विष्णु को आपकी रची हुई सृष्टि की रक्षा करनी है, उसका पालन करना है, और शिव को संहार करना है। किंतु आप तो रचयिता हैं, आप पिता हैं, सारी सृष्टि आपकी संतान है, और कोई पिता अपनी संतान का वध नहीं करता। फिर आपको शस्त्र की क्या आवश्यकता है? हे आदि शक्ति, ये सत्य है कि सारी सृष्टि मेरी संतान है। मैं पिता हूं, और कोई भी पिता किसी भी परिस्थिति में अपनी संतान का वध नहीं करता। किंतु हे आदि शक्ति, यदि किसी दिन संतान ने अपने पिता के वध का प्रयास किया, तो उस समय मैं किसकी ओर देखूंगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? विष्णु। आपकी रक्षा विष्णु करेंगे। इसका विभाग मैंने विष्णु को दिया है। किंतु इतना आपको अवश्य बता दूं कि आप जब भी इच्छा करेंगे तब किसी भी अस्त्र का निर्माण कर सकते हैं, किंतु आपको उस अस्त्र का प्रयोग करने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। और जब अस्त्र बन जाता है तो उसका प्रयोग अवश्य होता है, जो विनाशकारी होता है। आपने यदि कभी ब्रह्मास्त्र बनाया तो उसका प्रयोग अवश्य होगा। इसीलिए अस्त्र और शस्त्र बनाने वालों को, उनके निर्माताओं को इस ओर ध्यान देना होगा कि रक्षा के नाम पर जब भी घातक अस्त्रों के भंडार लगेंगे, वे केवल दूसरों का ही नहीं, अपने ही निर्माण करने वालों को विनाश की अग्नि में झोंक देंगे। क्योंकि अस्त्र की आंखें नहीं होती, ये शत्रु और मित्र में अंतर नहीं करते, क्योंकि इनका तो लक्ष्य ही केवल विनाश है। हे आदि शक्ति, आपने सत्य कहा। आपके इस विचार का मैं सदैव ध्यान रखूंगा। मैं सदैव निर्माण की बात ही सोचूंगा, विनाश की भावना को कभी अपने हृदय में नहीं आने दूंगा। यदि सारा संसार इसी भावना का पालन करता रहा तो प्रलय से पहले सृष्टि का विनाश कभी नहीं होगा। हे प्रजापति, हे विष्णु, हे महेश, प्रकृति और पुरुष की व्यवस्था इसीलिए प्रारंभ की गई है, और अब संसार में यही व्यवस्था चलेगी। समस्त जड़ अथवा चेतन की जोड़ियां होंगी। चाहिए आप सब मिलकर सृष्टि की रचना का क्रम आरंभ कीजिए। जो आज्ञा आदि शक्ति। ये सब आपकी शक्तियां हैं जो आप में लीन हो गई। ये सदैव आपके साथ रहेंगी, और आप जब चाहेंगे ये प्रकट हो जाएंगी।